गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर अपने हैं, देखिए चैप्टर 10 कर रहे हैं अभी अपने, है ना। उसके अपने टॉपिक हो गए थे, एडिशन हो गया था ना, ग्राम किलोग्राम ने बेसिक यूनिट्स, मेजरमेंट ऑफ वेट वाला चैप्टर अपना अपने देख लिया था। बेसिक अपनी यूनिट्स क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट क्या होती है, एंड अपने ग्राम किलोग्राम का एडिशन देख लिए थे, है ना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सब्ट्रैक्शन है यूनिट्स का, है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, ठीक है। तो आप देखिए क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट आपका क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्ट 8 केजी 850 ग्राम फ्रॉम 12 केजी 750 ग्राम। आपका क्वेश्चन क्या है, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, ग्राम किलोग्राम दिए है, आपको पता है स्टेप क्या रहते हैं कि किलोग्राम के कॉलम में किलोग्राम की यूनिट्स लिख देंगे, वैल्यू वो पुट कर देंगे, और ग्राम के कॉलम में ग्राम की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। ये चीज आपको बताई हुई है, तो सिंपल सा देखिए एडिशन अपने करना है, हमें देख लेते हैं एक बार, सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन लास्ट स्टेप के लिए सब्ट्रैक्शन करना है। देखिए देखिए मैंने केजी और ग्राम के अलग अलग कॉलम बना दिए हैं, ठीक है, केजी का बना दिया, ग्राम का बना दिया, एंड केजी वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। देखिए केजी फ्रॉम किससे अपने सब्ट्रैक्ट करना है, 12 केजी, 12 यहाँ पुट कर दिया, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 8 केजी। आप देख लेंगे वैल्यू, देख लेंगे केजी वाली, केजी के यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, केजी वाले कॉलम में, किलोग्राम वाले कॉलम पुट कर दिए, ग्राम वाली वैल्यू कौन सी है, हमें देखिए सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 8 केजी 850 ग्राम सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 12 केजी 750 ग्राम। तो हमने पहले लिख लिया जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, 12 लिख लिया और 750 ग्राम लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना है, 8 केजी 850 ग्राम, ठीक है, ये हमने यहाँ वैल्यू लिख ली हमारा कॉलम बना के। चलो देखिए अब हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो आपने क्या देखा कि ये 750 है और ये 850 है, दैट मींस ये क्या है, स्मॉलर देन है ना, लेस देन है। आप देख रहे हो 750 छोटी वैल्यू होती है, 850 बड़ी है, तो स्मॉलर में से बड़ी वैल्यू, जैसे 8 में से 9 कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं हो सकता ना, 8 में से 9 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता। वैसे ही देखिए आपकी 750 क्या है, छोटी वैल्यू है, 850 से कम है ना, तो इसमें से कैसे होगा सब्ट्रैक्ट, तो हमने क्या किया, इससे हम क्या कर लेंगे, बोरो कर लेंगे, क्या बोरो करेंगे, हम इसको बोलेंगे भी ग्राम इससे किलोग्राम को कहता है कि मुझे 1 केजी आपसे बोरो करना है, तो 1 केजी इसने बोरो किया, ग्राम ने बोला कि मुझे 1 केजी दे दो, 12 को बोला, ठीक है, तो 1 केजी अपने ने ले लिया। 1 केजी मतलब कितना होता है, 1000 ग्राम, ये मैंने आपको बताया चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया था कि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, जो हमने से 1000 ग्राम ले लिया, ठीक है, 1000 ग्राम हमने ले लिया, तो अब इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। देखिए 750 तो अपने पास ऑलरेडी थे, 750 ग्राम तो अपने पास ऑलरेडी था, अपने ने इससे और कितना ले लिया, 1 केजी, दैट मींस अपने ने 1000 ग्राम और ले लिया, 1000 ग्राम अपने इससे बोरो कर लिया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1000 और इसको एड कर देंगे ना, देखिए 1000 और 750 ग्राम, देखिए 750 था, 1 केजी क्या किया, 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, तो आपका हो गया 1750 ग्राम आपका आ गया। अब देखिए आपके पास ये आ गया, आप तो इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, अब तो कोई इश्यू ही नहीं है ना सब्ट्रैक्ट करने में, अब इजीली करो, देखिए सब्ट्रैक्शन, 0 में से 0 गए 0, 5 से 5 गए 0, 17 में से 8 गए कितना आता है, 9, चलो यहाँ हमारे पास आ गया 900, ठीक है, यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, अब 12 केजी था, जब ग्राम ने इसे 1 केजी बोरो कर लिया, है ना, 1 केजी तो इसके पास चला गया, ग्राम के पास, तो भाई इसके पास कितने रह गए, 11 रह गए, है ना, 11 में से 8 गए, 3 रह गया हमारे पास, तो आंसर हमारा क्या आया, 3 केजी 900 ग्राम, ठीक है, यहां तक समझ में आया। देखिए सबको अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हमने बोरो कर लिया, 1 केजी बोरो किया, तो वहां जाते आपका वो ग्राम क्या हो गया, 1000 ग्राम, क्योंकि आपको ये पता है 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, अगेन सब्ट्रैक्शन वाला है, केजी और ग्राम दे दिया, किलोग्राम और ग्राम, ठीक है, हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 16 किलोग्राम 387 ग्राम में से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 9 किलोग्राम 482 ग्राम, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ आपने क्या देखा, 387 है और यहाँ क्या है, 482,
डेट मीन्स ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ये क्या है स्मॉलर देन है। आपको पता है 387 की वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है ना, सबको पता है ये तो, है ना। 482 बड़ा है तो ये कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमें अगेन क्या करना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। ग्राम ने किलोग्राम को बोला कि मुझे 1 kg बोरो करना है, ठीक है। ग्राम ने किलोग्राम से क्या किया, 1 kg ले लिया, बोरो कर लिया यहाँ से 16 से, ठीक है। 1 kg आपको पता है 1 kg ग्राम में कितना होता है, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ये बेसिक चीज तो आपको मैंने उस दिन में बोला था कि आपको पता होनी चाहिए कि 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। अगर आपको ये पता है तो आपने क्या किया, 1 kg ले लिया और वो ग्राम के पास इतना आते कितना हो गया, 1000 हो गया। और ऑलरेडी हमारे पास पहले कितना है, 387 तो हमारे पास है और हमने 1000 और ले लिया, तो टोटल हमारा कितना हो गया, हम ऐड कर देंगे 1000 और 387, ये आ गई वैल्यू अपने पास, यहां हमने लिख दी, ओके। अब तो आप इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, देखिए 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पे 5, 8 में से 8 गए 0 एंड 13 में से 4 गए 9, तो हमारे पास यहां पे कितना आ गया, 905 आ गया, ओके। अब आपको पता है यहां से ये 1 kg बोरो कर लिया था ग्राम ने, 1 kg बोरो कर लिया, तो हमारे पास 16 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 15 आ गया। 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता है आपका, 6, ओके। इतना ऐसा क्वेश्चन था, तो आंसर क्या आया, 6 किलोग्राम और 905 ग्राम आपका आंसर आ गया है, ठीक है। समझ में आया यहां तक सभी को, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, देखिए अपना क्वेश्चन था कि 16 किलोग्राम और 387 ग्राम, ठीक है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना था हमें 9 किलोग्राम 482 ग्राम। तो यहाँ तो चलो हमारा 16 सही था, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ आपको पता है सब्ट्रैक्ट 387 छोटा था, आपको पता है ये वैल्यू इससे छोटी थी तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने इसे बोरो कर लिया 1 kg, केजी से हमने बोरो किया 1, तो ग्राम हमें आते वो क्या हो गया, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, हमें पता है, तो इसलिए अपने पास क्या आ गया, 1387 ग्राम हो गया, इजीली सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद सिंपल सब्ट्रैक्शन है, वो सभी को आपको पता आते ही है, तो ये क्वेश्चन अपना, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन अपना कंप्लीट हो गया, अपना चैप्टर यही था, सब्ट्रैक्शन था, ठीक है। एडिशन अपने लास्ट क्लास में कर लिया था, ये सब्ट्रैक्शन वाले हो गए हैं, ठीक है। तो अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम है, बस आपको ये देखना है कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या रहता है, इतना सा ही क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं अपने, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन देखिए अपना क्या है, ए बॉय वेट 42 kg 500 ग्राम। एक बॉय होता है, उसका वेट क्या कितना होता है, 42 kg एंड 500 ग्राम, ठीक है। तो क्या होता है, ही लॉस 2 kg 350 ग्राम, उसका वेट कम कैसे हो जाता है, 3 × 2 कितना होता है कम, 2 kg 350 ग्राम, किस वजह से, इलनेस की वजह से, वो बीमार होता है, उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। तो अब अपने को बताना उसका वेट अब कितना है, पहले उसका कितना था, कॉलम बना लो, देखो किलोग्राम एंड ग्राम, पहले उसका वेट था 42 kg 500 ग्राम, देन अभी कितना है, अभी उसका लॉस कितना हुआ वो आपको देखना है ना, उसका हो गया 2 kg 350 ग्राम उसका कम हो गया, ठीक है। अब उसका वेट कितना है वो आपको बताना है, तो आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जीरो में से जीरो, जीरो में से फाइव नहीं जा सकता, टेन यहाँ किया कैरी, ठीक है, यहाँ किया तो फाइव आ गए, 150 आ गया, और यहाँ कितना आया 40, देन अभी उसका वर्क वेट कितना है, 40 kg 150 ग्राम उसका वेट है, ठीक है। तो सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम के भी कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, आपको लैंग्वेज देखनी क्या लैंग्वेज है क्वेश्चन की, ठीक है। तो चैप्टर अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इसकी वर्कशीट मैं आपको सेंड करूंगी और आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चंस की, 10.4 एक्सरसाइज है इसकी, घर पे सभी प्रैक्टिस करोगे, ओके, करके देखोगे, क्वेश्चन बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, नया चैप्टर, ठीक है, इस चैप्टर का एक बार रिवीजन भी कर लेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लेंगे थोड़ा सा दोबारा, ओके।